हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, क्लास टेंथ के या ट्वेल्थ के एग्जाम दिए, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि एक न्यूज़पेपर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास टेंथ का जो रिजल्ट है ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुका है अगर आप देखो, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके टेंथ के काफ़ी पहले ओवर हो चुके हैं। बट सीबीएसई जैसे आपको पता ही है कि थोड़ा टाइम लेता है अपने रिजल्ट में, अदर बोर्ड्स के रिजल्ट जो हैं आ चुके हैं। तो सीबीएसई क्लास टेंथ का रिजल्ट जो है वो 4 जुलाई को बोला जा रहा है इस न्यूज़पेपर के थ्रू, और ट्वेल्थ का जो है वो जुलाई टेन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जुलाई टेन को संडे है। बट ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने लिखा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री सोर्स ने ये बताया है कि जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं एडमिशन को लेकर के, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में है, वो रिजल्ट डिले होने से थोड़ा सा अफेक्टेड हो रहे हैं। तो हम लोग जो रिजल्ट है वो अराउंड वर्ड यूज करा गया है कि जुलाई 4 के अराउंड, जो कि मंडे आपका पड़ेगा, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, और जुलाई 10 के अराउंड क्लास 12th का रिजल्ट आपको दिया जाएगा। तो वो 11 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, और अगर 4 को 10th का आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि 2 से 3 दिन के गैप में आपका जो रिजल्ट है वो 12th का भी आ जाएगा। यानी कि ये जो आने वाले 10 दिन हैं, ये रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th को भी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, क्योंकि जुलाई में क्लासेस शुरू हो जाती हैं बहुत सारे स्कूल्स में, और यहाँ पर 12th का भी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट की भाई। तो इस वीक में रिजल्ट आना ही आना है। आप लोग को क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, मुझे भी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई रिजल्ट आपका आए, आपसे बात करूँ कि कैसे आपने परफॉर्म किया है। और बाकी क्लास 12th की क्लासेस, जो भी बच्चे इस साल 12th में आए हैं, उनकी क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी अपने इस YouTube चैनल पर। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 12th में आए हैं, तो उनको आप बता सकते हैं कि क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, मिलते हैं कल जल्दी एक अच्छी।